वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार जोनिक की सीरीज करोड़ बाग में और करीब करीब रात के बज चुके हैं 12। अभी आप करंट सिचुएशन में देखोगे तो दो गाड़ी अपने सामने रहने वाली है, दोनों ही ब्लैक कलर में रहेगी। तो रोहित भाई से मिलते हैं। रोहित भाई, कौन कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? भाई दोनों अपना जेट टू वेरिएंट रहने वाला है। बेसिकली अपनी गाड़ी का कंटेंट ये रहेगा, जो कि बेस टू टॉप का जो काम होता है इसके अंदर में अपना इंक्लूड किया गया हुआ है। ठीक है। अब एक एक करके बातें करते हैं क्या कुछ हमने इसके अंदर चेंज किया है। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो पूरा ऑल ओवर काम है इसके अंदर में। फॉग लाइट जैसे महिंद्रा जेनमैन प्लस बेजल वायरिंग कॉम्बिनेशन स्विच के साथ वर्किंग है, मैं आपको ऑन ऑफ दिखा देता हूँ एक बार। कंप्लीट जो है अपना सेटअप रहने वाला है, जो कि हम हर बार आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, विदाउट हेडलाइट ऑन हुए फॉग लाइट को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अपना आते हैं हेडलाइट के अंदर में, 220 का सेक्शन है इसके अंदर में, हाई इंस्टॉल किया गया है। थोड़ा आप चेक कर सकते हो कितना दूर तक अपना जा रहा है। तो ये सामने रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार अपना लो बीम करिए, तो ये अपना लो बीम और ये अपना हाई बीम जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वो वारंटी वगैरह की बात करें, क्या कुछ मिल जाती है? दो साल की वारंटी मिल जाती है, अपनी रिप्लेसमेंट मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रंट से स्किट अपना चेंज है इसके अंदर में, जो फ्रंट वाली स्किट होती है, जो कि आप यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ब्लैक पोर्शन आता है इस वाली कार के अंदर, जिसको रिप्लेस करके यहाँ पे सिल्वर किया जा चुका है। हाँ बिल्कुल, ये डिपिंग का पार्ट होता है बेसिकली, स्क्रेच लेस अपने पास ये रहने वाला है। ठीक है जी। ग्रिल क्रोम में चेंजेस है अपना, ठीक है। 7 पीस का स्लॉट इसके अंदर चेंज है, 6 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस पियानो का इसके अंदर सेटअप किया गया अपना, ठीक है। इस वाली कार में जो ग्रिल आती है मैट ब्लैक फिनिश के साथ आती है, मतलब दो काम रहेंगे, एक तो ग्रिल को पियानो ब्लैक किया गया है और उसके ऊपर से क्रोम इंसर्ट जो है वो यहाँ पे रिप्लेस किए गए हैं। प्लस उसके बाद इसका 360 का सेटअप है, आप देख सकते हो। तो फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आपको लोगों के ठीक नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके से प्लेसमेंट आपको कंपनी देती है। हाँ, उसका प्राइस अपना जो 6000 का रहता है बेस्ट टू टॉप वाले के लिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि बाहर वाले से बचो, बाकी अपने हिसाब से अपना काम कराओ, मार्केट में आपको रेट मिल जाता है, जरूरी नहीं आपको बाहर जाके कटने के लिए, आप मार्केट में करा सकते हो। 6000 जब मिल रहा है ओरिजिनल, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। ठीक है। 2500 का अपना मिल जाता है 7 पीस का स्लॉट ग्रिल, ठीक है। हाँ, बाकी पियानो का रेट आपको 3500 रुपये है इसका, ठीक है। हेडलाइट का सेक्शन हमने बता दिया, टॉप मॉडल चाहिए तो 20000 रुपये का आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी आते हैं साइड प्रोफाइल से, साइड प्रोफाइल से दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर हमने चेंज किया है। फ्रंट के बाद मूव करते हैं कार के साइड व्यू में, तो साइड से क्या कुछ रहेगा रोहित भाई? साइड से अपना 18 इंची का अलॉय रहने वाला है, प्लस 18 इंची का टायर सीएट का अल्टरनेट अपना जो आता है, ऑल टेरेन टायर के साथ जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल। 17 का भी ऑप्शन मिलता है, 18 का भी ऑप्शन मिलता है, तो 18 इंचेस वाले जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। बेसिकली 17 स्टॉक टायर में लग जाता है, 18 के लिए आपको टायर चेंज कराना पड़ता है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। फुट स्टेप इसके अंदर लग गया ब्लैक वाला, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। ये भी जेन्युइन जो है वो रहने वाला है और एच टू एच फिटिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। उसका साइड वाली हमने क्लाइडिंग इसके अंदर चेंज किया है, जो कि ये भी स्क्रेच लेस रहने वाला है अपना। ठीक है जी। ठीक है। तो जो क्वालिटी फ्रंट में लगाई गई है स्किड प्लेट पे, वही क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसका हैंडल अपना जो बॉडी कलर होती है उसका हमने चेंज कर दिया इसके अंदर में, ठीक है। इसमें मैट फिनिश में, मैट फिनिश में आता है। मिरर अपना फोल्डिंग है इसके अंदर में, प्लस स्विच प्लस अपना बटन दोनों से अपना रहने वाला ये। तो बटन प्रेस करेंगे मिरर फोल्ड हो जाएगा। प्लस इसके अंदर हमने कोटिंग करके दी है, जो कंपनी की टॉप मॉडल वाली चाबी आती है हमने बना के दिया भैया को। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक करें, ऑप्शन आ जाएगा आपको, प्रॉपर वर्किंग जो है वो की के साथ भी रहेगा और बटन के साथ भी रहने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद अपना 360 का यहाँ पे 9500 का अपना सेट आता है ये मिरर का, ठीक है। और बाकी अपना 360 में अलग से अपना पता ही अलग से लगाना पड़ता है, साइड कैमरा जो है वो आपको मिरर के ठीक नीचे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। तो 360 हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। बाकी आते हैं अपना विंडो क्रोम इसके अंदर लग गया 4 पीस, जो कि अपना पेस्ट रिप्लेसमेंट आता है, ठीक है। जो कि बोल्ट सिस्टम आता है, तो यहाँ पे स्क्रू से जो है अपना टाइट होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्क्रू से प्रॉपर फिट जो है इसको किया जाता है। ये 4 पीस में रहेगा और पीछे वाली जो है वो अपनी चिपकाई जाती है, होती है। डोर वाइजर आफ्टर मार्केट जो होता है इसके अंदर में। रूफ रेल इसके अंदर अपना लग गया महिंद्रा जेनमैन, ये अपनी जेनवन जो है वो रहेगी, प्रॉपर ड्रिल के साथ जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। प्रॉपर ड्रिल के साथ बेस्ट टू टॉप कराओ, अच्छे रेट आपको कार जोन से अलावा कोई नहीं दे सकता, आपको ये बात की गारंटी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। बैक प्रोफाइल से आते हैं, बैक प्रोफाइल से दिखाता हूँ क्या कुछ हमने इसके अंदर चेंज किया है। बैक प्रोफाइल से अपना बैक की जो स्किट होती है वो हमने चेंज कर दी इसके अंदर, बैक वाली क्रोम, ठीक है। उसके बाद अपना 360 का कैमरे का रिप्लेसमेंट यहाँ कर दिया, रियर कैमरा इसके अंदर वर्किंग है और एक स्पॉइलर वाइपर का मैं आपको एक बार वर्किंग चेकआउट कराता हूँ वॉशर के साथ, ठीक है जी। बाकी आप क्रोम के साथ रहने वाला है, यहाँ पे क्रोम जो है इसकी चेक कर सकते हैं, इस तरीके की रहेगी। और वाइपर की वर्किंग आपको दिखा देते हैं कैसा कुछ रहने वाली है। तो जेन्युइन है और प्रॉपर वॉशर वाइपर दोनों ही अपना वर्क करेगा। ये अपना वाइपर आप अभी चेक कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अपना वॉशर भी आप देखें, ये भी प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना वॉशर, ये कंप्लीट वर्किंग रहेगा। और जो वाइपर लगाया गया है वो अपना ऑटो कट के फीचर के साथ रहने वाला है। ऑटो कट का मतलब होता है कि हमने बंद यहाँ पे कर दिया तो यहीं पे रुकेगा, ये नहीं कि यहाँ जाकर रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं। बंद जाओ वहीं पे रुकेगा, जहाँ कहीं पर भी बंद करोगे आके वो अपनी जगह पे रुकने वाला है। पोजीशन जहाँ पे इसका वहीं पे एंड होगा इसका, ठीक है। स्पॉइलर हमने दिखा दिया इसके अंदर, बॉडी कलर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है, जो कि ब्लैक कलर की अपनी कार है और ब्लैक कलर का ही अपना स्पॉइलर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है।
रियर का कंप्लीट लुक जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। बहुत तगड़ा लुक आपको निकल के आ रहा होगा बैक से, फ्रंट से एंड साइड से, और अंदर से तो लाजवाब है जो कि इसका इंटीरियर है, ठीक है, आप देखोगे तो बिल्कुल बोलोगे हाँ चीज बेहतरीन काम जो है वो रहने वाला है। तो अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको इंटीरियर जो है वो चेकआउट करवाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं अब कार के इंटीरियर में, और जैसा रोहित भाई ने बताया इस कार का जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा लग्जीरियस जो है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले आप एक व्यू चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो ओवरऑल इंटीरियर है इस कार का देखने को मिल जाएगा। तो रोहित भाई आगे बढ़ने से पहले इस कलर का नाम क्या रहने वाला है? सैम्पिंग गोल्ड इसको कह सकते हो, सैम्पिंग गोल्ड हाँ, या तो आप मैंगो कलर कह दो, मतलब ये सेल्टोस बेसिकली कहना, जो नई वाली सेल्टोस आई थी ना, हाँ जी, उसके कलर से थोड़ा जो आता है ना मैचिंग करके जो है इसको बनाया गया है, कलर में जो आता है वो कलर अपना मिलता जुलता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डोर पैनल्स की कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगेन रबर पेंट वर्क जो है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा इस वाले पोर्शन के ऊपर। यहाँ पे कोई रैपिंग वगैरह काम नहीं है, ये प्रॉपर जो है रबर पेंट काम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रैपिंग के लिए मैं मना करता हूँ डोर में नहीं कराने के लिए, क्योंकि फुलने का चांसेस हो जाता है इसके अंदर में, क्योंकि जो कंपनी का टॉप मॉडल आता है उसके अंदर भी आपका पेंट ही होता है। तो यहाँ पे अपना लेदर है, वहाँ पे मैं लेदर करके दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है वो आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डबल सिलाई के साथ जो है वो आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा क्या रहेगा अपना? इनर हैंडल, ग्रैब हैंडल, स्विच प्लेट और कटोरी इसका पियानो है, प्लस स्विच रिप्लेस है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनर हैंडल, उसके पीछे कटोरी वाला पार्ट, ग्रैब हैंडल जो है ये आप चेक करें, स्विच प्लेट चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना जितने भी स्विचेज हैं वो भी अपने जो है वो चेंज रहने वाले। बिल्कुल। उसके बाद अपना एमबीएस लाइट इसके अंदर K4 लगा है, जो कि 6 पीस के अंदर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे चार पीसेज आपको सिंगल सिंगल दरवाजों के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, और दो पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको इसके डैशबोर्ड वाले पीस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एक पीस यहाँ पे लगाया गया है और एक पीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 6 पीस के एमबीएस लाइट है और ये K4 सीरीज में रहने वाली है, और इसके अंदर आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आप इसमें सिंगल कलर देख रहे हो जो कि रेड कलर में रहने वाला है। आप अपने हिसाब से अलग अलग कलर जो है वो चूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप चेक करेंगे एक बटन दिया हुआ है, या फिर आप फोन में एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग कलर आपको मिल जाएंगे, अलग अलग मोड के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से अपना प्रॉपर वर्क करने वाला है। बिल्कुल। बाकी उसके बाद आते हैं सीट कवर पे, सीट कवर आप देख सकते हो प्रीमियम अपना रहने वाला है, ठीक है। फ्रंट से लेके बैक तक इसका फिट एंड फिनिश आप चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत ही जबरदस्त फिनिशिंग के साथ जो है वो अपना रहने वाला है। जैसे कि रोहित भाई ने बताया ये कपड़ा जो है काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। प्रॉपर सेंटर वाले पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे जो है परफेक्टली फिनिश देखने को मिल जाने वाला है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। को ड्राइवर सीट में किस तरीके का फिट फिनिश रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रियर सीट में आपको प्रॉपर फिटिंग जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। बिल्कुल। बाकी आते अंदर दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर हमने चेंज किया है। तो भाई आ चुका हूँ कार के इंटीरियर में, और यहाँ पर ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद क्या कुछ दिखने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो अगेन बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है वो हो चुका है। अगर आप कहो तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक और कलर जो है वो ऐड हो चुका है इंटीरियर के मामले में। ये कलर हमारे चैनल पे पहली बार है, लेकिन वही ऑप्शन देता हूँ ना आपको, कोई सा भी गाड़ी हो कोई सा भी कलर हो आप 100% आप लेके आ सकते हो हमारे पास, ठीक है। वही चीज है कि 700 N या कोई सी भी एनीथिंग अपना गाड़ी हो आप बिल्कुल ला सकते हो इंटीरियर के लिए, और लग्जीरियस ऐसा इंटीरियर कराना है तो 100% आप आ सकते हो, देख सकते हो कैसा इंटीरियर, लुक वाइज आप चेक करो क्या निकल के आ रहा है। और ये क्रोल बाग में अपना काम हुआ, जरूरी नहीं कि बाहर ये काम हुआ है, बाहर वाले से बचना है आपको, ठीक है। स्टेरिंग की फिनिश आप देखो, इसकी सिलाई पहले देखो कुछ आपको, तो स्टेरिंग पे आप फिनिशिंग देखोगे तो आज आपको जो है यहाँ पे नॉर्मल सिलाई देखने को नहीं मिलेगी, जिगजैग पैटर्न के साथ जो है वो अपनी थ्रेडिंग प्रॉपर आपको देखने को मिल जाने वाली है, जो कि बहुत ही प्रीमियम जो है वो आपको फील कराने वाली है। इसका टच इन फील भी अच्छा है और देखने में भी काफी अच्छा लुक ही ऑफर करती है। इनमें कोई आपको दिखाया नहीं होगा, ये पहली बार हम इनमें किए हैं ये चीज। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इन एन रहने वाला है। हाँ, बस इनमें किसी ने अभी तक किया नहीं, जो हम देखे नहीं किसी का वीडियो, ठीक है, हमने ये चीज किया है, ठीक है। और जो स्टेरिंग रैप किया गया है वो भी डुअल टोन के फिनिश के साथ है, कंप्लीट पोर्शन ब्लैक है, उसके अंदर अपना जो मून इंसर्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नॉर्मली आपने देखा होगा हम दूसरे कलर में भी कस्टमाइज करते हैं, तो इस वाले पार्ट को जो है वो ब्लैक ही रखा जाता है। बिल्कुल। बट इस वाले कार के अंदर क्या किया है, इस वाले पार्ट को भी सेम इंटीरियर वर्क के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। लेदर रैपिंग जो है वो यहाँ पर भी करी गई है, डबल सिलाई के साथ ही अपना रहने वाली है। बिल्कुल। बहुत से भाइयों का डाउट आएगा अभी कि एयरबैग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी ना इससे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। उसका अपना MID कंट्रोल इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे सेम माउंटेड ऑडियन कॉलिंग कंट्रोल इस वाली कार में आते हैं, लेकिन वो मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, रिप्लेस करके यहाँ पे ग्लॉसी जो है वो किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक MID कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। क्रूज वर्किंग नहीं रहेगा, ओनली MID कंट्रोल्स वर्क करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना कुछ तरीके से ये प्रॉपर वर्क करने वाला है, ये आप देखें, तो ये इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये भी जेन्युइन चीज़ है और ये भी जेन्युइन चीज़ है, दोनों ही अपना जेन्युइन महिंद्रा का लगा दिया गया है। बिल्कुल। उसका अपना मीटर फ्रेम इसके अंदर ग्लॉसी हमने कर दिया, जो कि आप यहाँ पर लुक चेक कर सकते हो, और सिर्फ
मीटर फ्रेम के कर जाने के बाद काफ़ी अच्छा जो हाईलाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। जब आप सामने से देखोगे तो एक प्रीमियम फील जो है वो आने वाला है। बिल्कुल, उसका देसी बेंट अपना हो गया इसके अंदर ग्लॉसी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक पीस इस साइड में है और एक पीस आपको इस साइड में भी देखने को मिल जाएगा। एक पिलर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया हमने दोनों साइडों में आपको जो है ये जेन्युइन रहेगा, और ये अपना ड्राइवर साइड और अपना को ड्राइवर साइड रहने वाला है। बिल्कुल, उसका अपना सनग्लास होल्डर जो अपना जेन्युइन होता है सनरूफ वाला ऑप्शन, वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर लेदर एड की पहले एक बार, फिर बातें करेंगे। इसमें आप लेदर एड हमने देख कर दिया इसके, सैम्पिंग गोल्ड जो होता है अपना, और प्रॉपर ही अपना सॉफ्ट टच के साथ रहने वाला है, जो कि इसके अंदर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको फील नजर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, हल्की सी जो है कुशनिंग यहाँ पे ऐड करी गई है। हाँ ठीक है जी। तो और डबल सिलाई वगैरह का जो है वो आप यहाँ पे यूज़ देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे धब्बे देख रहे हो, ये धब्बे कपड़े पे नहीं है, ये एक्चुअल में यहाँ पे बारिश की बूंद है जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पड़ रही है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये कहाँ कहाँ रहने वाला है, सबसे पहले आप चेक करोगे तो प्रॉपर डैशबोर्ड का जो को ड्राइवर साइड वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया कवर करेगा। एक पीस आपको इस साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे पीसेज आते हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वाले पीस को जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दरवाजे तो मैंने आपको सॉफ्ट टच में दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, तो ये सब कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, उसके बाद आते हैं अपना सिस्टम पे। सिस्टम इसके अंदर ऑटो कार प्ले वाला 360 सपोर्टेड इंक्लूड है इसके अंदर 360। हाँ जी। प्लस ये सिस्टम भी चेंज है, ग्लोसी फ्रेम के साथ आता है। प्लस इसके अंदर कंसोल भी हमने चेंज किया है ग्लोसी में। तो ये ठीक मैट है, ब्लैक आता है, इसको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक जो है वो किया जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और प्रॉपर ग्लॉसी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डीप एंड वर्क का काम जो है वो रहेगा, बिल्कुल और स्टूडियो चेंज कराओगे तो पूरा पैनल जो है वो तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये अपना आमरेस वाला पार्ट है। ये आपको पता है कि इस वाले मॉडल के अंदर जो है ना प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है, चुभता है जो कि। हाँ, तो यहाँ पे इसमें सॉफ्ट टच जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर दिया गया है, और दूसरा इसके ऊपर कलर थीम भी सेम बना दी गई है, जो कि अपना बाय डिफॉल्ट इस वाले कार के अंदर करी गई है। बिल्कुल। उसका नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों स्टीरियो की, जैसे कि अभी आप देख रहे हो इसमें अपना ये इस तरीके से आप इसका होम का बटन मिल जाता है। कॉलिंग वगैरह के लिए आपको प्रॉपर एक्सेस मिल जाता है। वॉल्यूम प्लस माइनस करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्यूनिंग वगैरह का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये बैक का ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग ऑन करनी है वो आप यहाँ से, ये सब चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो कैसा कुछ रहने वाला है, तो हम आपको हर बार ही कई वीडियो में दिखा चुके हैं। जब भी अपना स्टूडियो चेंज होता है, रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्क्रीन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोर, मैप आता है, इस तरीके से अपना यूट्यूब है। यहाँ पे जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कापले कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद भैया ने अपना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट भी किया हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा स्मूथ जो है वो आपको मैप एक्सपीरियंस देखने को उसके साथ मिल जाएगा। होम में वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं, तो कुछ तरीके से आपको 360 डिग्री सराउंड का कैमरा जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अपना रहने वाला है। गाड़ी को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये अभी आप इसका रियर व्यू देख रहे हैं, ये अपना फ्रंट व्यू रहने वाला है। ये रियर व्यू इस तरीके से, लेफ्ट साइड, ये अपना राइट साइड व्यू, दोनों को मर्ज करके लेफ्ट राइट को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये फ्रंट का एंगल, ये अपना दोनों साइड को मर्ज करके आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने 3D में सराउंड चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो व्यू आ रहा है वो आप देखोगे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरे की क्लैरिटी नाइट टाइम में देख रहे हो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ मैंने कर दिया है प्रॉपर, और आपको जो है सिंपली जैसे कि आप इंडिकेटर वगैरह पुट करते हो, जैसे कि अभी हज़ार डाटा पुट किया हुआ है, पुट करते के साथ ही दोनों कैमराज ऑन हो चुके हैं और साइड का व्यू आपको दिखाना स्टार्ट ही कर देता है। बिल्कुल। तो इस स्टूडियो की या कैमरे की वारंटी वगैरह की बात करें तो क्या मिलती है? एक साल की अपनी मिल जाती है दोनों चीज़ की, एंड्रॉयड ऑटो प्लस आपकी उसके, ठीक है, कैमरे की, ठीक है, दोनों की। तो आप देख सकते हो कैसा काम है। इसी तरीके का आपको काम कराना है तो 100% कार जोन विजिट करना पड़ेगा, जो कि अपना क्रोलबाग में रहने वाला है। और प्राइस की गारंटी है, आपको बाहर क्रोलबाग से जाके जाने की जरूरत नहीं है, छत के नीचे कटने की जरूरत नहीं है। क्रोलबाग में आप 100% आप सोटी के साथ काम करा सकते हो। कुछ इस तरीके से प्यारा सा, जैसे भैया ने अपना पैसे सेव किए, आप भी बिल्कुल पैसे सेव कर सकते हो। मतलब कि भैया भी ना प्राइस भी कम मिलेगा, दूसरा आपको क्वालिटी भी मिलेगी, और तीसरा एक शोर्टी भी मिलेगी, क्योंकि स्कॉर्पियन में रोहित भाई का एक अच्छा नाम जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, भैया का एक ही कहना था कि कराना आप ही से, क्योंकि बड़े बड़े नाम सुन के छोड़ चुके हैं, और जो रेट था उनमें इनका काफी डिफरेंस आया था। तो अब जो है आपको दिखा दी सब चीज़ें, मिलते हैं कार के ओनर से। हाँ। और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो दोस्तों रोहित भाई ने कार की सभी एक्सेस हमें दिखा दिया, मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। संदीप। संदीप, और भाई आपका नाम? रजेश सैनी जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं अम्बाला से जी। अम्बाला से? यस। तो यहाँ के बारे में कहें या रोहित भाई के बारे में कहें, कैसे पता चला आपको? मैंने इनकी वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया। ठीक है। और फिर उन्होंने गाड़ी देख के मेरा पूरा मटेरियल बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है। अब ये बताइए सर, कलर ऑप्शन की बात करें, ये कलर का सजेशन आपका था या कैसे रहा? नहीं, मैंने वीडियो देखी थी तो मैंने इनको कहा था मुझे यही कलर चाहिए, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल जैसा बिल्कुल जैसा वही कलर जो है वो प्रोवाइड करा है।
अगर बात की जाए अपने जो पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी की है, सारे पार्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल गए? बिल्कुल जी, जो मैंने मटेरियल मांगा इनसे इन्होंने वही लाके मुझे दे दिए। ठीक है, आप वीडियो देख करके जो है यहाँ पर आए हो? बिल्कुल। जो प्राइसिंग वगैरह हम लोग वीडियोस में बताते हैं, कंपेयर किया जाए जब आप शॉप पे आते हो तो वही प्राइसिंग वगैरह आपको मिलती है? हर जगह ट्राई किया यहाँ पे सारी जगह घूम के, तो फिर मैंने लास्ट में इनसे प्राइस की बात की, बहुत ज्यादा कम मिला, 5-10 हज़ार रुपए कमी मिला प्राइस में, आपको फर्क मिला है? बहुत ज्यादा कमी मिला है मतलब। ठीक है, अब ये बताइए प्राइस, तो आपने बताया कि आपको इफेक्टिव प्राइस मिले हैं यहाँ पे, काम के अंदर कहीं कुछ कमी आपको लगी हो? नहीं, काम में कोई कमी नहीं लगी, लगी रहे हैं सबसे बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल आप संतुष्ट होकर जो है यहाँ से जा रहे हैं? बिल्कुल जी, सारे काम को नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10। आपकी तरफ से भी 10 नंबर रहने वाले हैं, तो अम्बाला से कोई भाई देख रहा हो उन्हें रिकमेंड करने का मौका मिले तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे भाई भाई देवी जेड़े भी हैं भाई, वो सीधा आओ। ठीक है जी, भाई ने पंजाबी में बोल दिया है कि आप सीधे जो है यहाँ पे आ सकते हैं। काम इनको बहुत प्यारा लगा, मतलब काफी इनका पसंद जो कलर था ना, चॉइस ही बहुत अच्छा था। हमारा जो वीडियो था ना, ये फर्स्ट अपना ये कलर का रहने वाला है, जरूरी नहीं क्योंकि आइस ग्रे तो बहुत हम कर चुके थे। हाँ, और बाकी कलर तो अलग ही कर चुके थे, लेकिन ये भी कलर अपना एक ज्वाइंट हो चुका है अपने साथ, तो ये एक नया कलर जो है वो रहने वाला है जो कि आप करा सकते हैं। बिल्कुल, तो बाकी अपना यही काम रहने वाला है, तो करते हैं वीडियो एंड अपना। बाकी अगर आपने भी कोई काम कराए तो आप आ सकते हैं काजनी चिस्ट्रीज करोल बाग में।